ये यहाँ पर क्या है, आओ हमारे पास। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिए है कि इसको ले करके जब आप गांव गांव में जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तानी समाज का और जो अच्छी पूजा पाठ करता है, चाहे वो हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, मुसलमान नमाज पढ़े पांच साल पांच वक्त मंदिर में जाए, कोई हिंदू भाई गुरुद्वारे में जाए, गिरजा घर में क्रिश्चियन जाए, उसका प्रचार भी करता है, उसको मालूम है मेरे अल्लाह और मेरे भगवान के बीच में, मेरे राम के बीच में, उसको मालूम है। जो नहीं करता है वो ज्यादा उछलता, क्योंकि उसको लोगों को ज्यादा भरोसा देना है कि मैं भी आप में से हूं भाई, वरना मुझे बरादरी से नहीं निकाल देना। यही हाल हो रहा। तो झूठे वादे हो रहे, उल्लेख किया हमारे सभी साथियों, किसानों के साथ झूठा वादा, युवकों के साथ और युवतियों के साथ 10 करोड़ रोजगार का झूठा वादा, महंगाई कम करने का झूठा वादा, एक एक लीडर आप व्हाट्सएप देख रहे होंगे, मेरा वादा नहीं देख रहे होंगे उसमें। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा जब वो चीफ मिनिस्टर थे, माननीय गृह मंत्री हमारे उनका वादा अगर नहीं है तो हम सुना के दिखाएंगे यहां, माननीय वित्त मंत्री के वादे, माननीय विदेश मंत्री के वादे, माननीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री की वो आलोचना कांग्रेस के प्रधानमंत्री की, रुपए की कीमत गिरने पर आलोचना इन चारों नेताओं की, क्योंकि चारों के व्हाट्सएप हम सबके पास, बहुत सारे लोगों का तो हम खाते में नहीं डालते, लेकिन ये तो चार बड़े पद है। महंगाई के बारे में उनकी क्या विचार थे और किस तरह से वो आलोचना हमारे करते थे, देश की सुरक्षा के बारे में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा मनमोहन सिंह जी को और हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को। लेकिन आज मुझे अफसोस कि जिस तरह भारत की जनता को उठ खड़े होकर सड़कों पर आना चाहिए था, नहीं आती, ये मेरी शिकायत। पार्लियामेंट में हम इन बातों को उठाते हैं, लेकिन हमारा तो गला घोंट दिया। गला घोंटने का मतलब नहीं है कि उंगलियां आके दबाएं, विपक्ष का गला जो होता है और गले की आवाज जो होती है, उसकी छली जो होती है और उसकी जो भाषा होती है,